नमस्कार। आज के हम लोग वीडियो में कुछ स्पेशल जानने वाले हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखना वीडियो को बाबू, और आखिरी तक देखना, ठीक है? स्पेशल क्या जानेंगे? जैसे हम जानेंगे कि जानते हैं कि अर्थ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? आप जानते हैं कि मून पर कितना होता है, सन पर कितना होता है, ठीक है? और जितने भी सौर प्लेनेट पर हैं, जितने मंगल हो गए, वेनस हो गए, यूरेनस हो गए, इन सारे ग्रहों पर कितना होता है, ठीक है? चलिए, तो आइए इस वीडियो में उसी का चर्चा करेंगे, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? मून से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बाबू? तो आइए, तो हम जानते हैं कि मून का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, यानी मून पर जी का वैल्यू क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मून पर कितना वैल्यू होता है, किसका बाबू? गुरुत्वीय त्वरण का। तो जानिए, तो सबसे पहले है मून का आखिर गुरुत्वीय त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? तो गुरुत्वीय त्वरण निकालने का फॉर्मूला हो जाता है जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है? जहां जी क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है? जी क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम क्या हो जाता है, जहां का आपको गुरुत्वीय त्वरण निकालना है वहां का, ठीक है? जिस जगह पर का निकालना है, ठीक है? आर क्या हो जाता है, उस ग्रह का रेडियस, ठीक है? आर क्या हो जाएगा, उस ग्रह का रेडियस, ओके? चलिए, तो आइए हम निकाल लेते हैं जी जी एम बाई आर उसका। तो मून का क्या होता है बाबू, मून का जो मास होता है वह क्या हो जाता है, मून का जो मास होता है बाबू, एक्चुअल में हो जाता है मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून, ठीक है? ठीक है, रेडियस ऑफ मून क्या हो जाता है, 1.75 × 10^6 मीटर हो जाता है, ठीक है बाबू? और मास हो जाता है 7.4 × 10^22 kg हो जाता है, ठीक है? मास ऑफ मून क्या हो जाएगा, 7.4 × 10^22 kg, और रेडियस ऑफ द मून हो जाएगा 1.75 × 10^6 मीटर, ठीक है? तो आपको एम का वैल्यू पता हो गया, आर का वैल्यू पता होगा, जी का वैल्यू आप जानते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 6.6 × 10^-11 Nm² per kg², ठीक है? ये क्या हो जाता है, इसका इस है, ठीक है? ये सबका तो वैल्यू मिल गया बाबू, जैसे ही आपको वैल्यू मिल गया, तब अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबका वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं और हम निकाल लेते हैं, ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो नोट कर लीजिए, ठीक है? चलिए, आइए हम वैल्यू को लिख देते हैं। तो जी का क्या होगा, 6.67 × 10^-11, ठीक है, बटा सॉरी एम ना, एम क्या हो जाता है, 7.4 × 10^22 kg, और रेडियस ना बटा आर स्क्वायर, तो आर क्या है, 1.75 × 10^6 आर स्क्वायर ना, तो एक और हो जाएगा 1.75 × 10^6, ठीक है? तो सबको कैलकुलेट करते हैं, ठीक काम करते हैं, इन सबको एक साथ ले आते हैं, 6.67 × 7.4 × 1.745 × 1.75 अब देखिए 10^22, ठीक है? और यहाँ पर है 10^-11 ना, तो क्या हो जाएगा, गुना में आधार सेम है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 सेम है ना, तो गुना में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, तो 22 और -11 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 10^6 गुना में पावर जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10^12 हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो इन सब का भी आप कैलकुलेट करेंगे, 6.67 × 7.4 और 1.75 × 1.75, ठीक है? चलिए, तो इन सबको यदि आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है? कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि ऐसे करते करिएगा ना तो काफी लंबा प्रोसेस जाएगा, ठीक है? तो इन सबको कैलकुलेट करके और भाग देने के बाद क्या निकल जाता है, आइए मैं भी कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है? तो 6.67 × 10^6 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 49.35, ठीक है? और बटा में 1.75 × 1.75 तब हो जाता 3.06, ठीक है?
और भागा है ना, 10 के पावर 11 है, 10 के पावर 12 है, यानी भागा में पावर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो 10 के पावर 11 और 10 के पावर 12 है ना, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 के पावर 1 हो जाएगा, एक नीचे बचेगा। अब 3 से इसमें भागा दे दीजिए बाबू, ठीक है, तब आ जाएगा आपका 16.12, ठीक है, और बटा 10 है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1.612 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये कहां पर आ गया बाबू, मून पर आ गया, ठीक है। चल अब आ जाते हैं हम सन पर।